बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों, आज हमने टॉपिक लिया है विद्युत ऋणात्मकता। बच्चों, ये एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। तो जल्दी से हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। बच्चों याद कीजिए, मैंने आपको सहसंयोजक बंध के बारे में जानकारी दी थी। सहसंयोजक बंध, बच्चों मैंने आपको बताया था दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा, भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझा से बना बंध क्या कहलाता है बच्चों? सहसंयोजक बंध। ठीक है, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, ये मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका था। बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सहसंयोजक बंध के मैंने आपको प्रकार बताए थे। और बच्चों इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार में सबसे पहला है समनाभिकीय, ठीक है, समनाभिकीय। और बच्चों दूसरा होता है वो है विषमनाभिकीय, ठीक है ना, विषमनाभिकीय। अब ये आपको बताने का सिर्फ इतना सा मेरा रीजन है बच्चों, क्योंकि मुझे आपको विद्युत ऋणात्मकता समझानी है। तो बच्चों याद रखिए, जो विद्युत ऋणात्मकता है इसको समझाने के लिए हमको सहसंयोजक बंध से बंधे किसी यौगिक की आवश्यकता होगी, और वो भी कैसा हो, जो विषम नाभिकी सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ हो। तो विषम नाभिकी सहसंयोजक बंध से बंधे यौगिक में हम विद्युत ऋणात्मकता को समझ पाएंगे। तो मैं जल्दी से उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। बच्चों अगर मान लीजिए मैं आपको एच एफ का निर्माण समझा दूं, है ना, अगर मैं आपको एच एफ का निर्माण समझा दूं, तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7, इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन इसके बाह कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, ये 7। बच्चों फाइनली क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और ये दोनों जुड़ेंगे और इस तरह से इनके बीच में एक बंध स्थापित होगा। क्योंकि साझे का बंध जोड़ा है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक फ्लोरीन का इनके मध्य में आके स्थापित हो जाएगा, शेष फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन उसके बाहकोश में रहने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये जो एक एच एफ का अणु हमने निर्मित किया, ये एच एफ का अणु सहसंयोजक बंध से बना हुआ है। ठीक है, ये सहसंयोजक बंध से बना हुआ है। अब समझने वाली बात है बच्चों, क्योंकि यहां पर जो सहसंयोजक बंध है वो दो भिन्न परमाणुओं के बीच में है। ठीक है, तो साझे का ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है ना, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जोड़ा या युग्म, ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, सिंपल लैंग्वेज में बोल दें इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बच्चों ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, ये उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाएगा, उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाएगा जिस परमाणु के लिए हम देखेंगे उसकी आयनन ऊर्जा। ठीक है बच्चों, उसकी आयनन ऊर्जा और उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कैसे होंगे बच्चों, ये मान उच्च होंगे। ठीक है, तो जिनके लिए ये मान उच्च होंगे,
ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा उसकी ओर विस्थापित हो जाएगा, और जब विस्थापित होगा तो उसके बाद का स्वरूप जो है वो ऐसा दिखेगा, एच एफ। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर उस पर खिसका तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी किसी से इलेक्ट्रॉन उस पर रहेंगे। तो क्या होगा बच्चों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़ा खिसकेगा वो आंशिक रूप से धन आवेश, जिस पर खिसक कर जाएगा वो आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाएगा। और इस तरह से एच एफ का जो अणु है ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्रुवी। मेरी बात समझ में? तो बच्चों एक ध्रुवी अणु में साजे के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का उस परमाणु की ओर विस्थापित होना जिसकी आयनन ऊर्जा यह इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है, इस इलेक्ट्रॉन जोड़े के विस्थापित होने के इस गुण को हम क्या कहते हैं, उसकी विद्युत ऋणात्मकता। यह कहलाती है बच्चों उसकी विद्युत ऋणात्मकता, इसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। बच्चों बहुत अच्छे से अपने दिमाग में यह चीज आप बिठा के रखिए कि जो विद्युत ऋणात्मकता है वो विषम नाभिकीय सहसंयोजक बंध में है ना, दो भिन्न परमाणुओं के बीच जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो क्रिएट होगा वो विस्थापित होता उस परमाणु की ओर जिसकी आयनन ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा उसकी ओर विस्थापित होने का गुण जो है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता की कोई भी, बहुत अच्छे से याद रखिए, इकाई जो है वो नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं है। यानी अगर हम किसी भी तत्व के लिए उसकी अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता अगर एक्सप्लेन करेंगे ना तो हम उसकी कोई यूनिट नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि आयनन ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत ऋणात्मकता की क्या इकाई है तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। बच्चों मैं संक्षिप्त में आपको इसकी आवर्तता भी बताने की कोशिश करूंगा, तो विद्युत ऋणात्मकता की आवर्तता, विद्युत ऋणात्मकता की आवर्तता। तो बच्चों विद्युत ऋणात्मकता की जब हम आवर्तता की बात करें तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं जब भी आवर्तता की बात करेंगे तो हम दो स्थिति में बात करेंगे, एक हम बात करेंगे वर्ग में जिसको मैं कहता हूं वर्गानुसार। बच्चों मैं दूसरी बात करता हूं आवर्त में और मैं कहता हूं आवर्तानुसार। तो बच्चों वर्ग में वर्गानुसार और आवर्त में आवर्तानुसार। तो सिंपल तरीके से याद रखिए कि आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता इसका मान क्या होता है बच्चों, घटता है, ठीक है, जबकि आवर्त में आप याद रखेंगे इसका मान बढ़ता है। बहुत संक्षिप्त में याद रखिए और कारण सारे वही होंगे बच्चों जो हमने की आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के संदर्भ में रखे थे। तो बच्चों इस तरह से आज मैंने आपको विद्युत ऋणात्मकता की जानकारी दी और हमने इसके बारे में जाना, ठीक है। तो होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। बच्चों विद्युत ऋणात्मकता एक प्रमुखता रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने टॉपिक में, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा और आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके क्वेश्चन तैयार करिए। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ।